अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। कल की चिंता करें और ये जिले भी सतर्क रहे और आप भी नजर रखे रहे अशोक बंडवाल और निकुंज श्रीवास्तव यहाँ से एस एन मिश्रा लगातार और मनीष सिंह अपने बांधों की स्थिति पर नजर रखी रहे वो रखें और ये जो हम कंट्रोल करके पानी निकालते हैं डिस्चार्ज करते हैं वो अपनी प्रणाली जारी रहे ताकि अचानक कहीं बहुत ज़्यादा पानी ना पहुँच पाए तो वो कहाँ कैसे पानी कब कितना निकालना है जैसे एक साथ पानी का डिस्चार्ज ना हो वो आप जानते हैं आप कर भी रहे हैं तो उसके लिए भी जहाँ जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से आप कदम उठाएं। थैंक यू जवानी का इंतजाम करें ठीक है तो मुझे लगता है कि अभी लगभग 1:30 बजे तो सवेरे तक तो कोई ऐसा खतरा नहीं है कि रात में कोई संकट में आए सब सतर्क रहें सवेरे एक बार फिर रिव्यू करेंगे मुझे लगता है पानी का वेग कम हो गया इसलिए स्थिति बिगड़ेगी नहीं और डिस्चार्ज भी कम हो रहा है लेकिन बावजूद इसके सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। भोपाल का भी हमारा जो कंट्रोल रूम है सिचुएशन रूम वो पूरी स्थिति पर नज़र रखे मैं भी रात में सतर्क रहूँगा ज़रूरत पड़े तो मुझे बताए लेकिन अपने स्तर पर भी हम कोई कसर ना छोड़ें। सवेरे तक मुझे लगता है स्थिति पूरी तरह से ठीक हो जाएगी लेकिन फिर भी सतर्कता और सजगता जरूरी है हर आवश्यक कदम उठाएं। कल जरूरत पड़ेगी तो सवेरे आर्मी और एयरफोर्स को भी हम कॉल करेंगे कहीं घिरे हों लोग तो निकाल लें लेकिन अभी वैसी स्थिति बहुत ऐसी बिगड़ी हुई नहीं लगती लेकिन हम सब सतर्क रहेंगे सवेरे एक बार फिर हम देखेंगे कि स्थिति क्या है। सबको धन्यवाद अपने अपने मोर्चों पर तैनात रहें। अभी रात के 1:30 बजे हैं गुना से लौट के ब्यावरा में भी मैंने सभी जिलों में चर्चा की थी और भोपाल में आके मैंने विस्तृत समीक्षा की है। अत्यधिक वर्षा के कारण जो प्रभावित जिले हैं खरगोन बड़वानी धार खंडवा बुरहानपुर अलीराजपुर सभी जिलों के इंदौर सभी जिलों के कलेक्टर से हमारे संबंधित सभी विभाग के अधिकारियों से यहाँ सिचुएशन रूम है जो पूरे प्रदेश की स्थिति पर जहाँ से नज़र रखी जाती है वहाँ से मैंने चर्चा की है। अभी स्थिति नियंत्रण में है खरगोन में खंडवा बड़वानी धार अलीराजपुर सब जगह लोगों को सतर्क किया हुआ है। NDRF SDRF की टीमें अपने काम में लगी है। अब पानी का वेग भी कम हो गया बारिश भी कम हुई है और ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर इनसे पानी का डिस्चार्ज भी कम हुआ है इसलिए खरगोन में पानी नीचे उतरने लगा है धीरे धीरे मुझे लगता है कि और नीचे तक पानी कम होगा। सरदार सरोवर लगातार भर रहा है तो वहाँ भी हम लोग सतर्कता रखे हुए हैं और सारी टीम मैं कलेक्टर कमिश्नर उसके अतिरिक्त हमारे NVDA के अधिकारी सिंचाई विभाग के अधिकारी हमारे जो कंट्रोल रूम में है तैनात अफसर अशोक बंडवाल हो निकुंज श्रीवास्तव हो सब सतर्क हैं और प्रयास हमारा यही है कि लोग सुरक्षित रहें। NDRF SDRF की टीम के साथ साथ सवेरे हमने एयरफोर्स और सेना को भी बुलाने का फैसला किया है अगर ज़रूरत पड़ी तो अभी हमने उनको चर्चा करके तैयार रहने के लिए कहा है। उम्मीद है कि सवेरे तक पानी और कम हो जाएगा लेकिन ज़रूरत पड़ी तो एयरफोर्स को और आर्मी को भी हम बुलाएंगे। मैं खुद स्थिति पर नज़र रखे हुए हूँ और भरसक प्रयास हमारा है कि लोग सुरक्षित रहें और किसी को कोई तकलीफ और परेशानी ना हो और लोग चिंता भी ना करें हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और स्थिति पर नज़र भी रखे हुए हैं और